अभी बज रहे हैं 7 और आज का सीन ऐसा है, अपने को एक जगह पे विजिट करना है, कहाँ से विजिट करना है, तो अपना डिनर बाहर होने वाला है। और क्यों विजिट करना है वो मैं बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड में पता चलेगा आपको। लेट्स गो। रेस्टोरेंट इसका नाम है देसी तड़का ढाबा, जो कि अभी अभी ओपन हुआ है। तो फाइनली अपने को विजिट करना था इधर, और क्यों विजिट करना था वो उसकी स्टोरी है, आपको बाद में मैं लास्ट में वीडियो के बताता हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर रमीज खान। क्या बोलते पब्लिक? बस क्या बोलते पब्लिक? ठीक है भाई। तो और एक बंदा है अपना, थोड़ा बिजी है, बाद में देखते हैं। तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अभी वेलकम ड्रिंक सर्व हो गया है अपने लिए, खास तो भाई आए तो सर्व होना ही है ना। और मिस्टर आकाश से नहीं मिलवाया था आपको, मैं बाहर था, बिजी था, अपना रमेश से मिलवाया, तो अपने भाई है, तो अपने दो हफ्ते पर साथ मिलने आए अपने सच बोला ना, झूठ थोड़ी बोला, हफ्ते भर ये तो है इसमें क्या। तो भाई ने सर्व सर्विस दी है अपने को। बाप का नाम राशिद सिंह, राशिद सिंह नाम है भाई का। बस भाई सर्विस दे रहे अपने को। वेलकम टीम आ गया है, टाइगर आएगा, मेनकोर्स आएगा, सब कुछ आएगा, और फिर बाद में मजा खाएंगे। तो बहुत टाइम बाद आया हुआ ऐसे एटमोसफेयर में, लास्ट टाइम विजिट किया था मैंने इधर, देखो वीडियो में देखो, चेक करो पता चलेगा। तो थोड़ा देख के वेलकम टीम इंजॉय करते। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो पीते ना, और क्या अभी बस हो गया ना, अभी क्या है पीने का भाई, पीते 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 भाई। तो मन तो ऐसा बचे हाँ, रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट और अच्छा रिफ्रेशमेंट है।
एक्चुअली अभी ऐसा हुआ ना कि हम लोगों ने वेलकम ड्रिंक पिए, तो वेलकम ड्रिंक पी के मतलब वी आर फ्रॉम हॉटेल इंडस्ट्री, मैं भी हूँ, रमेश भी है। तो रमेश ने जो सर्विस दिया अभी जिस भाई ने, तो वो बोला भाई एक्चुअल में बोलने जाओ तो फाइव स्टार होटल में हम लोग भी काम करते हैं, बट हम लोग भी ऐसा नहीं बना पाते। तो ये बात हुई रमेश की, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, सही बात है, क्योंकि थोड़ा टेस्ट अलग है इसका। जैसा हम लोग फाइव स्टार में देखने जाते, बनाने भी जाते, ऐसा नहीं प्रिपेयर होता, तो ये बात अच्छी लगी। तो आएगा है ना भाई, अभी तुम्हारा भाई आया तो अच्छी चीजें ही आएगी ना। दिस इज अवर प्लेस फॉर मेन कोर्स, नहीं सॉरी अभी स्टार्टअप चालू है, मेन कोर्स भी इधर ही करेंगे अपन, मेन कोर्स भी इधर ही, थोड़ा रिलैक्स ढाबे वाला रहेगा थोड़ा हमारे साथ, बहुत टाइम बाद ऐसे एटमोसफेयर में आए तो थोड़ा रिलैक्स मानेंगे। फ्रेंड लोग के साथ अभी आया, फैमिली के साथ गया था, मालूम है ना आपको इधर गया था, तो बस तो भाई ने अभी लाए सूप लाए, लुम्फू नाम है, लुम्फू प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मेरे से, और भाई को भाई बताएगा, भाई सर्विस दे रहा है अपना। भाई आपका नाम? मित्र राज। तो भाई बेसिकली ये सूप के बारे में बताओ थोड़ा, मतलब क्या क्या है इसमें, किससे बना है? ये हमारा है लंगफंग सूप। ओके, जैसे नॉर्मल मंचाओ सूप आता है। ओके, लेकिन बट हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, अपडेट टाइप। अच्छा, अपना एग वाइट होता है, एग वाइट को बैटर करते 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 जिससे अपना ये बनता है, वो है हमारा, एंड इसके ऊपर अपन गार्लिक में कोरिएंडर सब डालते हैं। अब एक बार टेस्ट कर लीजिए, मतलब अगर यहाँ पे आए चिकन मंचाओ और अपना वेज मंचाओ खाते रहते, कॉमन है मतलब खाते रहते, ये अपना लंगफंग अपना यहाँ पे स्पेशल है, मतलब सूप के स्टार्टर में अपना लंगफंग है। सही सही, इसके लिए थोड़ा मतलब एक्चुअल में लगा कुछ अलग है, पहली बार देखा मैंने, तो मुझे चलो भाई वो पूछते कितने बनाए क्या है। अंडा फ्लो कर थोड़ा अजीब दिख रहा था, अजीब दिख रहा है, बट टेस्ट में देखते अजीब कैसा है। अजीब तो अजीब ट्राई करने गए, नया है कुछ, नया है तो देखते। सूप पी के हो गया है मतलब ओवर, हमारे सूप बोल किधर गए, उन लोग गायब करवा दिया, गायब अपना ही रहेगा खाली। तो एक्चुअली सूप अलग था, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, तो थोड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम पिया तो थोड़ा लग रहा था कि अजीब रहेगा, देख के ऐसा फील आ रहा था, बट टेस्ट अच्छा था टेस्टी था, थोड़ा अलग मस्त लगा, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था और ज़्यादा फीका भी नहीं था, मीडियम था। तो अब तलक तो सब सही जा रही है, बैटिंग सही जा रही है अब तलक तो। तो बेसिकली सूप का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि सूप पहले दिया जाता है, बिकॉज सूप एपेटाइट है, पेट में जगह बनाता है खाने के लिए, तो इसके लिए पहले सूप का होता है, जो कि भरपूर मजे लिए हमने, अच्छा लगा था। भैया अपना स्टार्टर आ गया, फर्स्ट स्टार्टर आ गया, भाई ने लाया है, तो पूछ के भाई को क्या है, और इसमें थोड़ा डिटेल में थोड़ा पूछ के भाई को। तो इसका नाम क्या है स्टार्टर? भट्टी दमुर। कौन सा? भट्टी दमुर। ओके, रेड चटनी। ओके,
ग्रीन मिर्च चटनी होम मेड है। अच्छा ओके होम मेड है बट्टी का नूडल्स ओके थोड़ा तंदूर में स्टॉक हो गया है। अच्छा एकदम क्रीमी में सॉफ्ट रहेगा। और एक चार्टर आ गया है अपने लिए। भाई ने जो दिया है एक प्लेयर दिया है देखना है। देखो रिपीट रिपीट सर खास नवाबों लोग के लिए अच्छा लगा भाई। ये होती है सर्विस थोड़ा सामने वाले को भी मतलब खुश करके सर्व करना। तो बेसिकली थोड़ा ज्ञान दे दो भाई थोड़ा सर। मुर्ख नॉबिटिक है ओके। ये जो है ये सर मुर्ख नॉबिटिक का सर जो है नीचे का नान का लिया है बटरी नान है ओके। तो फिर ओनियन है फिर ग्रीन मिर्च चटनी है और रेड मिर्च चटनी है इसमें ऊपर टिक्का है। थैंक यू भाई थैंक यू टेस्ट करते हैं अभी खाते हैं अपना दूसरा स्टार्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टर तो चौका था इस बार क्या बोलते हैं भाई बोनलेस था चार रन। मैं ट्राई करने जा रहा हूँ नवाब वाले नवाब है नवाब वाले आज के नवाब हम है भाई जैसा नाम वैसा अपने बस। हाँ तो भैया ऑसम तो भाई अपनी अभी एक्शन कैमरा की थोड़ी बैटरी हो गई है ख़त्म। छोटी बैटरी है 1080mAh की बैटरी है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा बैटरी अभी कैरी नहीं किया हो तो थोड़ा अभी फ़ोन से व्लॉगिंग हो रही है अपनी। तो अंदर भी एक रूम है एसी पार्टी हॉल है छोटा सा और स्पेशली बर्थडे के लिए भी है तो अंदर भी देखते थोड़ा घूम के आते हैं अंदर। चलो तब तक अपना मेन कोर्स आ जाएगा बाद में। तो ये है इधर का एम्बियंस है अंदर पार्टी हॉल एसी है यार एसी वाला है तो अच्छा है। और ये बर्थडे के लिए स्पेशल अलग से मोस्टली यंगस्टर लोग के लिए तो अच्छा है प्लेसेस मिलते नहीं है इधर उधर जाना पड़ता है केक लेके वो भी उन लोग ऐसा मत करो वैसा मत करो बट इधर ऐसा कुछ सीन नहीं है इधर अलग से दिया हुआ है फुल ऑन मस्ती मजाक कर सकते हो तो अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। इधर शायद से ये केक के लिए भी उन लोग अलग से रखते हैं स्पेशली केक उस पर प्लेस करने के लिए तो ये पहले था मैंने देखा था तो अच्छा है। दो बच्चे लोग भी आए
अपना खा के हो गया है और अब मैंने राइस नहीं खाया एक्चुअली, आप लोगों को मालूम रहेगा इलायची भाई को चलती नहीं है, तो राइस खा रहे हैं हमारे रमेश भाई और आकाश भाई ने खाए, उन लोगों ने राइस खाए, बाकी मेरा आई एम डन। और एक कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा, नहीं वो सत्संग रख रहा है, देख के समथिंग स्पेशल बोल रहा हो तो राइस खाने का असली मजा भाई हाथ में है। तो ये हाथ से जो चम्मच से खाए तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ खाया है, ऊपर से बात बिरयानी है भाई, ऐसा खाएंगे बस बराबर और ऊपर से हैदराबादी दोनों। अभी हम लोग मिलवाते हैं आपको, यहाँ के ओनर है और उनकी फैमिली है, मतलब फैमिली आई थी इधर, तो जो था इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको, अभी मिलना तो बनता है उनके, लोग उनके ढाबे पे आए तो उनको मिलना तो बनता है। तो एक बहुत ही क्यूट एकदम क्यूट बेबी दिखाता हूँ आपको, उसका ही बेबी है, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, विशाल भाई नाम है इसका। तो ये विशाल भाई जो उनकी वाइफ है और ये छोटा अपना बेबी है, क्या नाम है इसका, दीदी। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत सही लगा मेरे को, और भाई को वैसे भी बेबीज तो बहुत पसंद है, तो सर से मुलाकात हुई, अच्छा लगा थोड़ा। आज ही मुलाकात हो रही है और आज ही इनकी है एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी सर, हैप्पी एनिवर्सरी। तो मतलब सही टाइम पे आए तो अभी हम लोग खाना पीना सब भी मजाक कर रहा हूँ, तो अच्छा लगा मिल के इनको सर बात करके, सर से लेते हैं थोड़ा डिस्काउंट लेंगे, अभी सर की एनिवर्सरी है तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। डिस्काउंट आज के लिए तो पूरा फ्री है। अरे सर बोलो, हो गया अपना काम, हो गया बस यार, ऐसा पहला बोलते हैं तो सबको लेके आता था। चलो थैंक यू सर। भाई ने छाछ लाया, छाछ पिएगा अपन, राशिद भाई छाछ लाया, उधर राशिद भाई उसको बात कर रहे थे भाई, ठीक है। सब आएगा, सबकी आईडी वीडी लिंक में सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो एंजॉय करते हैं साथ, चीयर्स। हाँ, खाने के बाद साथ जरूरी है डाइजेशन के लिए, अच्छा रहेगा। एक्चुअली इसमें मसाला छाछ है और इसमें अदरक भी है, मसाला छाछ में अदरक यूज होता है। अच्छा है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है, खाना पीना सब अच्छा है। अभी एक चीज बाकी है, डिजर्ट, तो भाई लाएगा डिजर्ट, देखते क्या है डिजर्ट में स्पेशल, इधर का स्पेशल देखते डिजर्ट में क्या है और टेस्ट करके फिर बताते और दिखाते आपको। गाजर का हलवा इन लोगों ने खत्म किए, मैंने नहीं खाया क्योंकि मालूम है इलायची प्रॉब्लम, भाई की आंखें सूज जाती है, मालूम रहेगा, वो बताते रहता हूँ बार बार। तो ठीक है, तो
पूछते इन लोग से कि कैसा टेस्ट था, अभी मैंने तो खाया नहीं तो इन लोग को पूछना पड़ेगा कैसा टेस्ट है, रिव्यू देंगे इन लोग। पहले मिस्टर आकाश से अपना अन्ना है, अन्ना मीन बड़ा भाई। हाँ तो भाई मस्त टेस्ट था, एकदम क्लासी टेस्ट था और लिटरली गर्म था, मतलब फ्रेशली कुक, तो उसका कलर टेक्सचर दे सकते। तो ये मतलब ज़्यादा स्वीट था नहीं? नहीं ज़्यादा स्वीट नहीं था, प्रॉपर था। ज़्यादा स्वीट भी एकदम अच्छा नहीं लगता, बस प्रॉब्लम एक था इलायची थी, अदरवाइज टेस्ट वाइज इसका भी कुछ अच्छा कम नहीं, अच्छा ही है, तो मालूम पड़ जाता था। चलो ठीक है, अभी बाय, आते हैं चाइना में। तो चाइना चाइना वो सर्विस वॉज परफेक्ट, सर्विस वॉज बेस्ट। ये कैसा लगा वो बता, वो अपन बाद में सब बताएंगे। पेट मेरा भर गया था, बट क्या बोलते बच्चे, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डेजर्ट। तो गाइस अभी फाइनली सब करके हो गया है ना, सब एंड हो गया है, फाइनली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यहाँ के ओनर है वो पंकज भाई, उनका नाम पंकज भाई है। और मैं यहाँ कैसे पूछा गाइस आपको बता, मैं बोल रहा था कब से, बाद में बताओ बाद में बताओ। तो मेरे को पंकज भाई ने DM किए थे इंस्टाग्राम पे, तो इनका मैसेज आया था सर आप आइए विजिट कीजिए हमारे प्लेस पे, तो इनका मैसेज आया, तो सामने से इनविटेशन आया, तो तुम्हारा भाई तो जाएगा ही, पहुँच जाते। तो यहाँ आए तो सर ने थैंक यू सर इन्विटेशन के लिए, आपसे अच्छा लगा बुलाया, आपने इन्वाइट किया आप लोग को, यहाँ अच्छा लगा, फूल भी अच्छा था, सर्विस भी आपने अच्छा लगा और एम्बियंस भी आपका बहुत सही, मतलब थोड़ा ड्रामा टाइप भी है और पार्टी के लिए भी अलग से आपने किया है, तो पार्टी वीटी के लिए भी अलग से सेक्शन है, बर्थडे वीडे पार्टी रही। तो मैं ये प्लेस का ढाबे का जो अपना देसी तड़का ढाबा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो गाइस आइए और एक्सपीरियंस कीजिए, मस्ट विजिट, एक बार आओ एक्सपीरियंस करो, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो जैसे एक बार आना था, करना था, बाइक से रिलेट करना था, बात करना था, बचाना था, खाना था, सब करके हो गया। तो वीडियो यही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है।